दोस्तों, कॉकरोच एक ऐसा जानवर है जो सर्वाहारी होता है। ये कॉकरोच दुनिया में पाए जाने वाले बड़े आकार वाले कीड़ों में से एक है। ये आमतौर पर आपके रसोई घर, स्टोर रूम और गोदाम में आसानी से मिल जाते हैं। ये कॉकरोच भी उन्हीं कीटों में से हैं जो बीमारियों को फैलाने में सबसे माहिर होते हैं। इस कॉकरोच की लंबाई 4 सेंटीमीटर होती है और इसका रंग लाल भूरे रंग का होता है। और इस दुनिया में इसकी बहुत सी प्रजातियां भी पाई जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन कॉकरोच का जन्म कैसे होता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इससे पहले हमने बहुत से जानवरों के जीवन चक्र की वीडियो बनाई हुई है, जिस पर आप सभी का बहुत प्यार मिला। और आज हम आपके लिए एक और जीवन चक्र के साथ ये वीडियो लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी वैसा ही प्यार देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस प्रक्रिया में सबसे पहले नर और मादा का मिलन होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इनका यह मिलन कुछ मिनटों का होता है। तो जैसे इनके मिलन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके कुछ दिनों बाद ही मादा कॉकरोच अंडे देने की अवस्था में आ जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये अपने अंडे दे रही है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इन्हें अपने अंडे देने के लिए 20 से 25 मिनटों का समय लग जाता है और कभी कभार 1 घंटे का समय भी लग जाता है। और ये अपने अंडे देने के लिए ऐसे जगह का चुनाव करते हैं जहां बहुत अंधेरा या फिर बहुत सारा सामान हो, जिसके ऊपर, नीचे, पीछे या फिर कोनों में, जहाँ इनका अंडा सुरक्षित रहे। आप देख सकते हैं कि इन कॉकरोच के अंडे बहुत ही अलग और भूरे रंग के होते हैं, जो बिल्कुल किसी टैबलेट की तरह दिखाई देते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि टैबलेट की तरह दिखने वाला ये अंडा असल में अंडा नहीं है, बल्कि ये भूरे रंग का एक सुरक्षित कवच होता है, जिसके अंदर असली अंडे सुरक्षित होते हैं, जो अंडों के लिए एक सुरक्षित बैग की तरह होते हैं। इस बैग के अंदर लगभग 40 से 50 अंडे मौजूद होते हैं। तो जैसे ही मादा कॉकरोच इस अंडे को दे देती है, उसके बाद इस अंडे को सेने के लिए 1 से 2 महीनों का समय लग जाता है। और अगर मौसम और जलवायु में बदलाव हुआ तो ये समय बढ़कर 3 महीनों तक भी हो जाता है। तो जैसे ही ये समय पूरा हो जाता है, उसके बाद इस कवच के अंदर से छोटे छोटे बच्चे निकलने शुरू होते हैं, जिसे निम्न कहा जाता है, और इस निम्न की संख्या 40 से 50 होती है। तो जैसे ये बच्चे बाहर आ जाते हैं, तो बढ़ते समय के साथ इनका आकार भी बढ़ता जाता है और साथ ही ये अपने शरीर की त्वचा को भी बदलते जाते हैं। ये कॉकरोच जब भी अपनी त्वचा को बदलते हैं, तब एक सफेद और पारदर्शी कॉकरोच सामने आता है, जिसके कारण इसके शरीर का अंदरूनी हिस्सा भी देखा जा सकता है, जिसके बाद इनमें फिर से रंग आने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये कॉकरोच तब तक अपनी त्वचा को बदलते रहते हैं जब तक ये पूरी तरह से वयस्क नहीं हो जाते, और इन्हें पूरी तरह से वयस्क होने में लगभग 11 से 14 महीनों का समय लग जाता है। लेकिन इसका ये समय इसकी प्रजाति, पर्यावरण और शिकारियों के आधार पर निर्भर होता है। जी हाँ दोस्तों, और जैसे इनका ये समय पूरा हो जाता है, ये पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं, जिसके कुछ दिनों बाद ये मिलन की प्रक्रिया के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद ये जीवन चक्र फिर से शुरू हो जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि मादा कॉकरोच अपने पूरे जीवन काल में 300 से 400 अंडे दे देती है, और इन कॉकरोच का जीवन काल 2 महीनों से 2 साल तक का हो सकता है, जो इसकी प्रजाति, पर्यावरण और शिकारियों के आधार पर निर्भर होता है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।